आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। भारत विकास परिषद समर्पण का 27वां अधिष्ठापन समारोह डबल ट्री बाय हिल्टन होटल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल की उपस्थिति विशेष रही। साथ ही कार्यक्रम में राहुल वर्मा ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ग्रहण की। समर्पण शाखा सेवा के क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित कर रही है। विगत दो वर्षों में हमने कोविड के चक्कर में गतिविधियाँ स्लो रहीं, लेकिन बहुत अच्छी रहीं। सबसे पहले हमने डायलिसिस का बड़ा प्रोजेक्ट किया, जिसमें लगभग 7 लाख रुपए की लागत की डायलिसिस मशीन हमारे द्वारा क्षेत्र जायजा कमेटी में डोनेट की गई है, जो कि आज भी निरंतर कार्य कर रही है और रोगियों की सेवा कर रही है। इसी क्रम में जब कोविड आया तो सबसे पहले जिले के माध्यम से थानों में भोजन वितरण कराया। हमारे सदस्य उस विषम परिस्थिति में हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री दीपक मनचंदा जी और श्री धीरज दरियानी जी द्वारा लगभग 3 लाख की लागत से पूरे कोविड काल में शाखा की ओर से लगभग 400 पैकेट रोज खाने के हमारे द्वारा अलग अलग थानों में और DM साहब के द्वारा जो स्थान इंगित किए गए वहाँ हमारे द्वारा बताया। ये शपथ ग्रहण समारोह है 27वां भारत विकास परिषद समर्पण का, और जैसे कि नाम से विदित है, भारत विकास परिषद अपने आप में एक संपूर्ण संस्था है जो कि भारत के विकास के लिए हम लोग कार्य करते हैं। जैसे कि हमने अभी आई कैंप लगवाया था, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया था और सैनिटाइजर एंड मास्क बंटवाए थे और कोविड के प्रति लोगों को जागरूक किया था। इसी टाइप से छोटे छोटे कार्यक्रम हम लोग सबके संग मिलकर करते हैं और आगे भी करते हैं। आज मतलब हम आगे आने वाले समय में अपने सेवा कार्यों को नए आयाम देंगे, और जैसा कि हमारा स्थायी प्रकल्प है भारत को जानू प्रतियोगिता वगैरह हैं और बहुत सारे असहाय वगैरहों की सहायता करना है, किताब वितरण है और कपड़ा वितरण वगैरह है, तो हम आगे जितने भी सेवा कार्य वगैरह होंगे अपनी पूरी टीम के साथ उसको सुचारू रूप से और नए आयाम तक पहुंचाएंगे, ऐसा हमने अपना दायित्व लिया है।